हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अभी तक जितना इमोट्स हमने परचेस किए हैं या जो भी हमें इमोट्स मिले हैं उसमें से बेस्ट इमोट कौन सा लगता है। तो हम सबसे पहले तो कलेक्शन में जाएंगे। कलेक्शंस का अभी जो नया पैटर्न आया है उसमें गाइस बहुत ही मॉडरेटेड कैचमिन पहला ये ऑप्शन जो है इमोट का है। तो कुछ इमोट जिनको स्पेशल बोलते हो तो अभी नहीं मिले हैं अपने को, बट जो इमोट मिले हैं वाकई वो बहुत ख़ास हैं। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्गली जो अभी लेटेस्ट में परचेस किया गया है गाइस वो ये है, और मुझे तो बहुत आसम लगता है बहुत। और भैया मिलने पे ये करने के बाद और भी मज़ा आता है। एक बार मैं और इसे शो करता हूँ, दैट्स अ के, दैट्स अ, ये भी बहुत स्पेशल है क्योंकि मैचेस में जो भी क्लासिक या रैंक मैचेस हैं उसमें ये इमोट बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मैच में इनको यूज़ करने पे अपने को आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, वेपन्स, और ये तो भाई ऑसम, ये भी मज़ेदार लगता है भाई, ये तो बंडल मज़ेदार लगता ही है ना। नोटों की गड्डी, बट मुझे समझ में नहीं, मुझे ये इमोट बहुत पसंद है, ये वाला भी। बट अभी इसको मैं रखना चाहता हूँ, बट मैं हटाऊँ कि इसको ये नहीं समझ में आ रहा। ये भी अच्छा है, डांसिंग ऑसम। अभी का जो फ्री फायर का जो म्यूज़िक है लॉबी में वो तो यार उसके साथ ये डांस तो ज़बरदस्त है। ये तो अभी लेटेस्ट में अभी आया, तो थोड़ा रखना ही पड़ता है ये सब। भाई ये हल्क तो डांस हुआ, हल्क भी डांस बराबर कर लेता है गाइस। ये सब इमोट पहले स्टार्टर में मैंने बहुत यूज़ किया और अच्छा भी लगा मुझे। ऑसम, बहुत पहले मेरा बहुत फेवरेट था इमोट, जब कोई ज़्यादा शान पट्टी मैच में दिखा रहा था तो ये इमोट मारने का। इसका नाम है डेथ ग्लेयर, इसमें भारी लगता है ये। ये भी इमोट थोड़ा पहले बहुत स्ट्रांग था, बहुत बेबी शार्क। एक्चुअल में इस इमोट का एक ध्यान से मतलब समझो तो आजा तेरी बैंड बजा दूं, राम नाम सत्य। ऑसम गाइस, बट लेटेस्ट में तो मुझे यही बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, बहुत हार्ड बोलते हैं ना, इससे बेटर तो मुझे एक भी नहीं लग रहा है गाइस। और गाइस बाइक्स में तो यार जबरदस्त, इससे भी ज़्यादा मुझे ये पसंद है। और ये सब तो सिंगल सिंगल है तो कोई बात ही नहीं, रखना पड़ेगा। बैक पैक में अभी तो लेटेस्ट मुझे तो ये, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा शाइन करता है तो ये ठीक है, इतना भी ख़ास नहीं है लेकिन ठीक है एज अ टेम्प्रोरी, क्योंकि परचेस करने पर थोड़ा यूज़ कर लेना चाहिए उनको, नहीं तो वो सब गाइस अनलिमिटेड बैग्स, अनलिमिटेड कितना रखा जाए। मेरी स्पेशल ये भी बैग मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बैग पैक में मुझे एक बैग और फर्स्ट है, ये भी थोड़ा टाइम, अगर गर्ल्स अगर कोई लेडी कैरेक्टर है तो उसके लिए ये भी बेटर लगता है मेरे को।
और ये तो कोई भी यूज़ करे यार, बहुत आज बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये तो भाई मेरे मॉन्स्टर के लिए बैग है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है मॉन्स्टर के ऊपर है। ये भी ठीक है, ये एकदम ऑसम रेड कलर के ड्रेस के साथ तो ये वाकई बहुत डेंजरस दिखता है। और ये केवल ऐसे ही जस्ट नॉर्मल, ये भी अच्छा है, ये बहुत अच्छा लगता है। अगर स्लिम कैरेक्टर है कोई तो स्लिम कैरेक्टर के साथ ये बैग बहुत हार्ड, ये भी चल जाता है। ये बहुत नॉर्मल शॉर्ट ड्रेस के साथ अच्छा लगता है। ये भाई डेंजरस तो है बट बहुत ही हैवी ड्रेस के साथ अच्छा लगता है, ये कूल है एकदम, ये भी अच्छा है क्योंकि फुल पैटर्न के साथ वो बैग अच्छा लगता है। ये तो आप जानते हो रैंक का। तो गाइस बैकपैक तो मैं ये भी रख रहा हूँ, लूट बॉक्स में, अगर लूट बॉक्स में लूट बॉक्स लूट बॉक्स लूट बॉक्स कौन सा रखा जाए, लूट बॉक्स क्या है ये, अरे बकवास है यार एकदम। ओके बैक पैक ये यूनिक कर देते भाई, क्वारियस 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 ये नहीं, गाइस बैग अभी तो यही अच्छा लग रहा है गोल्डन टाइप में, गोल्डन टाइप में अच्छा लग रहा है तो ये यूनिक है ही। पैराशूट्स नहीं बकवास, ये भी अभी नया आया है, यही यूज़ करते हैं, ये वाला यही रखते हैं अभी। Love is in the air. ये क्या है भैया दे स्पैर रैपर अंडर गोल। ओके गाइज हम यही रखेंगे, पिंच आने वाला था लेकिन अभी मिला नहीं हमको, तो अवतार में भाई हमको जो मिला है वही रखेंगे। बैनर में थोड़ा चेंज कर देते हैं, ओके गाइस वेपन्स में अगर देखे तो कुछ बच्चों ने चेंजेस किया है तो मैं उसे थोड़ा सही कर लेता हूँ। एक्यूरेसी डबल है लेकिन रिलोडिंग स्पीड लेस है, डैमेज डबल एक्यूरेसी लेस, वन बार चल जाएगा। गाइस एक ही का स्किन मेरे पास बहुत है, रेट ऑफ फायर और आर्मोर पेनेट्रेशंस हैवी है इसका, ये बेसिकली रेड ऑफ फायर प्लस रिलोडिंग स्पीड, डैमेज डबल एक्यूरेसी लेस, डैमेज डबल रेंज लेस, डैमेज प्लस एक्यूरेसी डबल, मैगजीन लेस है तो डैमेज। ये बंदूक अच्छा है पर इसमें डैमेज डबल और रेड ऑफ फायर प्लस है और इसका रेंज भी नॉर्मल है तो भाई ये तो ऑसम है। इसको स्किन थोड़ा अलग ड्रैगन जैसा देना था लेकिन ये ओके। इसमें म्यूजिक सिस्टम भी रखा हुआ है बीच में,
इसको भी यही रंग है, यही बेस्ट है यार। इसमें रेट ऑफ फायर मुझे ना बहुत ही बकवास लगता है। ठीक है, इसमें के इसमें के इसमें के रेट ऑफ फायर प्लस, रिलोडिंग स्पीड प्लस, एक्यूरेसी माइनस, अमाउंट पे एक्यूरेसी रिलोडिंग स्पीड माइनस। तो भाई इसमें रेट ऑफ फायर प्लस है इसमें, बट मुझे स्कीन ये ज़्यादा अच्छी लगती है, इसकी अपेक्षा ये स्कीन ज़्यादा बेटर है। तो मैं इसको यूनिक कर देता हूँ और इसमें तो यही बेस्ट है, रेट ऑफ फायर प्लस मैग डबल है और इसमें रेट ऑफ फायर प्लस है, रेंज डबल है, इसमें है डैमेज प्लस रेंज डबल, और ये है एक्यूरेसी डबल। ये सबसे डिफरेंट है इसके लिए गाइस, बहुत डायमंड का यूज़ करने के बाद ये निकला था, बट इसका कुछ खास रेंज डबल मतलब स्कोपिंग अच्छा खासा हो सकता है इससे, डैमेज प्लस देगा, रेट ऑफ फायर प्लस है, रेंज डबल है, बट इसका मैगजीन लेस होने के कारण रेट ऑफ फायर डबल एंड जो डैमेज है, डैमेज जो नॉर्मल रहता है सेम ही रहेगा। तो आई थिंक यही बेटर है, बट इसका थोड़ा स्क्रीन ज़बरदस्त लगता है। डैमेज प्लस, जस्ट ओनली रीलोडिंग स्पीड माइनस है, एक्यूरेसी सेम है, कौन सा ज़्यादा बेटर है यार ये मैं इसमें। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ही रख लेता हूँ, रेट ऑफ फायर प्लस, प्रेसिजन रीलोडिंग स्पीड लेस है। SMG में भी यही बंदूक अच्छा लगता है, ये तो उतना केवल रेट ऑफ फायर प्लस होने के कारण मुझे ठीक नहीं ज़्यादा लग रहा है। इसमें डैमेज डबल है, रेंज प्लस है, शॉटगन में ये डैमेज डबल, मैगजीन प्लस है, और ये क्या है, रेट ऑफ फायर प्लस, रेंज डबल। ये डैमेज डबल, एक्यूरेसी लेस है, तो भाई ये लुक में भी स्ट्रांग है, तो मैं इसे ही रखूँगा। और अगर इसमें बात करें तो मुझे यार ये स्क्रीन डैमेज डबल और रेंज लेस, रेंज लेस होने के कारण 10 मिनट रेंज इसका कम है, रिलोडिंग स्पीड डबल हो गया है पर रेंज इसका भी कम है, इसमें मैगजीन प्लस है, रेट ऑफ फायर प्लस है। तो गाइस डैमेज डबल रेंज लेस मतलब रेंज मैगजीन प्लस, वैसे ये भी कूल है, उतना डिफरेंट तो नहीं लगता। रेट ऑफ फायर प्लस मैगजीन, रेट ऑफ फायर इसमें देने का कुछ मतलब ही नहीं, लेकिन हाँ स्पीड बढ़ा देता है तो ये भी अच्छा है। तो मैं इसमें रिलोडिंग स्पीड माइनस है, इसमें नॉर्मल रिलोडिंग स्पीड है, इसमें रिलोडिंग स्पीड प्लस है, रेंज लेस है, तो मेरे हिसाब से तो यही कूल है यार, इसमें कोई ऐसा नहीं है अभी तक अपने पास कि जिसको सेट किया जाए, क्योंकि बीच में हमने परसेस ही नहीं किया शॉर्ट गन्स को। उसमें इसमें डायमंड यूज़ किए थे, बट जब मेरा 1000 से ज़्यादा स्पेंड होने लगा तो मैंने छोड़ दिया। आपको याद होगा दोनों इसके शॉर्ट गन्स के जो थे उसमें अलग अलग टास्क दिया हुआ था और वो टास्क जल्दी कंप्लीट नहीं हो रहे थे, जिनका हो गया उनका लकी, कुछ लोग बोले केवल 10 राउंड में मेरा हो गया, 7 राउंड में मेरा कम। ओके, ये बन चुके हैं, रेंज प्लस है इसका। ये जब बाहर में देखो मामू तुमको नहीं ला,
जॉ पाइप लगा देंगे। अरे अभी मामी भरी आप चलो तो पकड़ोगे नहीं गाइस, ये तो सबसे डिफरेंट है। अपना मोबाइल कहाँ रखते हो आप? आपका पॉकेट ही नहीं है क्या? एक पॉकेट रेंज डबल मैगजीन प्लस रेट ऑफ फायर प्लस मैगजीन प्लस ओके गाइस आज का तो इतना बहुत ज़्यादा है। ये इस पे जम भी रहा है। ओके गाइस गुड।